हेलो फैमिली, वेलकम वेलकम बैक टू योर चैनल वी आर बहल ब्रदर्स। तो गाइस, आज तो सारे का सारा दिन मेरा बना। एक्चुअल में बहुत सी मजा किया, बहुत सी चीजें खाई, मतलब मजा आ गया। लेट हो गए, कुछ मिला ही नहीं खाने को। ये दिन आप लेट हो, इनकी गलती है ना, तो इनको इनको भी मिला। क्या मिला वो आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलते हैं वीडियो में। लास्ट टाइम पूछ रहे हैं, बहुत वधिया चीज है, शायद तुम वधिया लगे। मेरे को ओली पई है बिल्कुल, थोड़ा खड़ा तो उसे दिखाऊंगा थप्पड़। अरे यार तो गाइस, दुकान तो कुछ भी पसंद नहीं आया। हे फैमिली, किद्दा जी, सो इट्स अ न्यू डे विद अ न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज की मॉर्निंग हमारी थोड़ी जल्दी हो गई है, मतलब अप्रॉक्स मैं उठ गया था आज 11:30-12 बजे के करीब। मुझे पता थोड़ा लेट है, पर रात को ब्लॉग वगैरह जब एडिट करते हैं तो इतना टाइम हो जाता है हमें उठते उठते। और सुबह से मेरी बॉडी बहुत 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 ज़्यादा पेन कर रही है। मैं उठते सारी ब्लॉग करना शुरू कर देता, बट मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रही थी, अभी भी पेन कर रही है। तो अभी थोड़े टाइम में मम्मा के साथ या अकेले जाके पहले मैं मेडिसिन लेता हूँ, सो दैट मैं पूरा ईजीली कर पाऊँ आज पूरा दिन अपना स्पेंड। आई डोंट नो क्या हुआ मुझे, हल्का हल्का रात को भी बुखार जैसा लग रहा था, बट मैंने रात को डोलो लेके एक बार मैं सो गया था, बिकॉज ऑप्शन नहीं था मेरे पास। तो अभी जाऊंगा डॉक्टर के पास, देखते हैं फिर क्या होता है। और उसके अलावा मन भी थोड़ा अजीब अजीब सा हो रहा है कि क्या करूं कैसे करूं, बट लगाता हूं कहीं ना कोई जुगाड़, क्योंकि घर पे बैठने का आज मन नहीं कर रहा है, बाहर जाने का मन कर रहा है। पर बाहर जाके भी क्या ही करूँगा ये सोच रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं हेल्दी नहीं होऊंगा फिर बाहर जाने का कोई मतलब बनता नहीं है। और मम्मा के साथ थोड़ा शॉपिंग के लिए जाना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ करवा चौथ टाइम यार, करवा चौथ आ रहा है बहुत जल्द। तो थोड़ा बहुत जो अवेलेबल नियर बाय हमें दिखेगा वो लेने जाएंगे, मम्मा को जो जो अवेलेबल चाहिए, मतलब मार्केट में जो जो होगा वो ले लेंगे अभी मम्मा। तो फिलहाल का ये अपडेट है। मैं ब्रश व्रश करके खाना खाता हूँ, नहाता हूँ, उसके बाद डॉक्टर के पास चलेंगे, जो जो होगा दिखाते रहेंगे करके आपको। तो चलते हैं पहले काम की तरफ। तो गाइस, फिलहाल के लिए हमने चाय वगैरह पी लिया, बिकॉज मुझे था कि अगर मेडिसिन लेने जा रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात आके खानी भी पड़ेगी, और खाली पेट मेडिसिन खाते नहीं है। खाना खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा है, और ठंड भी बहुत लग रही थी तो मैंने हुड्डी कैरी कर ली, जैसे आप देख ही सकते हो। तो अब चलते हैं डॉक्टर के पास, देखते हैं मेडिसिन देते हैं वो, अगर एक खुराक से आराम आ जाता है तो आज का व्लॉग पूरा कंटिन्यू रहेगा, सब कुछ आपको दिखाएंगे क्या क्या करते हैं, और मॉम के साथ भी शॉपिंग के लिए जाएंगे। अगर खुराक से फ़र्क नहीं पड़ा देन वी नेवर नो कि क्या होता कैसे होगा। तो अभी चलते हैं फिलहाल मेडिसिन लेने, उसके बाद देखते क्या होता है। 2000 years later. तो गाइस, फाइनली 2 घंटे बाद मैं आ चुका हूँ वापस। एक्चुअल वहाँ पे इतना टाइम नहीं लगा, वहाँ पे 10 मिनट का काम था, उसके बाद मुझे मार्केट जाना था, थोड़ा सा काम था जो मुझे ही पता था और कोई जा भी नहीं सकता था मेरी जगह पे, और वो इम्पोर्टेंट बहुत था करना, तो वो भी कंप्लीट करके आया हूँ। उसके अलावा मुझे कुछ कपड़े खरीदने थे, मैं कुछ दुकानों में अभी टहलता टहलता आ चुका हूँ, क्योंकि मुझे था निकला हूँ तो एक बार कराऊँ काम, अदरवाइज मैं घर आके फिर एकदम सो जाऊँगा, लम्बे पे आ जाऊँगा, मेरे को कुछ नहीं पता चलेगा कि अभी क्या करना है कैसे करना है। ओह, और मम्मी से भी डिस्कशंस हो रही हैं कि मम्मी को अगर कपड़े वपड़े ये बोले नहीं जाने हैं करवा चौथ के तो चल पड़े, जाओगे आप? अभी बोल रहे नहीं जाएंगे, तो अभी उनका डिसीजन देखते हैं, अगर चेंज होता है तो हम जाएंगे, अदरवाइज दवाई दे दो मेरे को, मैं दवाई खाऊं और फिर सो जाऊं आराम से। सोने का एक्चुअली मन ही नहीं कर रहा यार गाइस, क्या ही बताऊं, दवाई कहाँ गई, दवाई कहाँ गई मेरी, वो पड़ी मेरी दवाई, मैं रख दिया था आके। गाइस, दवाई ऐसे नहीं, नॉर्मल दवाई नहीं देते हमारे यहाँ पे, रंगीन दवाइयाँ, एकदम रंगीन मिजाज के लोग, रंगीन दवाइयाँ, पिंक, रेड, येलो, ब्लू, अलग अलग कलर में, अभी दिखाता हूँ आपको, रंगीन दवाइयाँ, एकदम रंगीन, एज यू कैन सी पिंक, येलो, पिंक, रेड, वाइट। तो अभी मैं खाऊंगा मेडिसिन, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि मार्केट में जाना है नहीं जाना दोबारा से, या फिर क्या करना है, उसके बाद कंटिन्यू करूँगा यार। ये देख लो कलर, येलो, पिंक एंड रेड, अभी खाता हूँ फिर मिलता हूँ। तो गाइस, थोड़ा आराम करने के बाद लगने लगी बहुत तगड़ी वाली गर्मी, तो हमने एकदम रिमूव कर दी अपनी हुडी वुडी, और खाना वाना खा के अब हो चुके हैं फ्री। सुबह से खाना मैंने अभी खाया 4:30 बजे, एंड अभी मैं प्लान कर रहा था कहीं बाहर जाने का, बट मम्मी ने बोल दिया बेटा तुम्हें बहुत ज़्यादा बुखार है तो तुम कहीं नहीं जाओगे, तो अब हम यहीं घर पर मंडराने वाले हैं। मेरे को था शायद जाएंगे मार्केट में तो कुछ आपको कपड़े वपड़े दिखा दूंगा,
कुछ मैं शॉपिंग करने जाने वाला था, और एक हमारे प्रिय मित्र के अभी 100 के हुए हैं कल, उनके केक कटवाने जाना था बट वो भी डिले हो गया है। अभी हम बस छत पे मंडराएंगे, थोड़ी देर और आराम करेंगे, प्रिंस का इंतज़ार करेंगे क्योंकि कल बहुत अच्छा कंटेंट मिल गया था मारकुटाई वाला हमारे हमें, तो आज भी उसकी वेट करते हैं, कुछ अच्छा तक करवा देंगे उनसे। तब तक पागलपंतियाँ हमारी चलती रहेंगी और आप भी इंजॉय करते रहो पागलपंतियाँ, देखते हैं अभी क्या होता है, कुछ मस्ता करते हैं। तो अभी हम जाने वाले हैं माता जी के साथ थोड़ी करवा चौथ की शॉपिंग करने। घर पे मैं भी फ्री बैठा था, मैंने सोचा चल पड़ते हैं और थोड़ा इन्जॉय हो जाएगा और इनके कपड़े आ जाएंगे, तो लेट्स गो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो गाइस दुकान तो कुछ भी पता नहीं आया, हमें दूसरी दुकान में जाना है। तो दूसरी शॉप से भी ना 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 कुछ नहीं मिल रहा हूँ ना नू, क्योंकि आए बड़े जल्दी ने। तो मार्केट में इतना ज्यादा घूमने के बाद भी मेरी मम्मी को कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, इसका रीजन पता क्या है, क्योंकि मेरी मम्मी जागी बहुत जल्दी है। 24 तारीख का बर्थडे करवा चौथ है, तो मेरी मम्मी 21 तारीख जा रही है मार्केट शॉपिंग करने, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ मिलेगा कैसे। ऑब्वियस स्पेशल क्या स्पेशल, कुछ स्पेशल, कुछ अलग सा, कुछ तड़कता भड़कता। सो अभी तक तो गाइज कुछ मिला नहीं मेरी माता जी को, पर हमें मिल चुके हैं हमारे खाने के पदार्थ। वी हैव मंचूरियन नाउ। आई नो मैं बीमार हूँ, मुझे नहीं खाने चाहिए, पर थोड़ा बहुत तो चलता है ना मम्मी, बोल रहे थोड़ा बहुत चलता है। तो अभी हम लेके आए हैं पहले मंचूरियन, फिर हम खाने वाले हैं थेपला या फाफड़ा, ऐसे कुछ हमें मिला था थेपला टाइप ऑफ, वो खाएंगे। और उसके अलावा हम ले आए हैं मिलक बादाम, वो रात को पियेंगे, अभी नहीं पियेंगे, लेके आए, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि हम मार्केट में गए, जो लेने गए थे वो तो नहीं मिला, बाकी की चीज़ें हमें मिल गई, तो अभी वो ठंडी करने रखी हुई है। अभी खाएंगे हम मज़े से मंचूरियन, उसके बाद हाँ कृष्णा के लिए भी हम लेके आए हैं गुजिया, क्योंकि उनके लिए मैं लाना भूल जाता था, आज मुझे याद था, तो उनके लिए भी ले आए हैं। अभी उनको भूख लगाएंगे थोड़े टाइम में, पहले हम अपने आप को भूख लगा लें, खाते हैं। अच्छा उनको ऑलरेडी लगा दिया भोग, तो एक्चुअल में फ़ायदे वाली चीज़ पता क्या है, उनको भोग लग गया, उसके बाद वो भोग मेरे को लग गया, क्योंकि वो तो खाएंगे नहीं, वो तो मुझे खाने को मिलने वाला है, तो बस वो भी मैं खा लूँगा। अभी फ़िलहाल अपना खाता हूँ, उसके बाद उनके हिस्से का खा जाऊँगा, तो अभी खाते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो गाइज हम खाना वाना खा के हो चुके थे फ्री, इट्स टाइम फॉर मिलक बादाम। कैसी है पापा तक तो जाने की जरूरत है, पापा पहले खत्म कर चुके हैं सारी की सारी। बढ़िया, तो इट्स टाइम फॉर टेस्टिंग। एक्चुअली ये हमारे ये खोलना बोतल, ये हमारे मोहल्ले में नई दुकान खुली है, उससे हम गए थे आज लेने, सो लेट्स ट्राई हाउस दिस। सही बात है, शिमलापुरी में जहाँ पे हम रहते हैं ना वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता है। आज आप क्या नहीं मिला आपको, आज मम्मी ने बनानी थी बड़ी बड़ी ऐसा कुछ ना, हाँ तो जड़ी की पेठे या की जड़ी वड़ी पहनती है, वह लेनी थी मम्मा ने, वो नहीं मिली सानू, इतने ऑलमोस्ट चीज़ा नहीं मिलती मोहल्ले के साढ़े, आई डोंट नो क्यों। तो जो सा मोहल्ले ने जो तुम सुन रहे हो तो वड़िया वड़िया लियानिया शुरू करो, तो हूँ आप पीने फिर तू रिव्यू दें कि बड़े बादाम है ना, बहुत बादाम है गाइस। ड्राई फ्रूट है सारा, बहुत मस्त। और यहाँ पे नाटक चल रहा अनुपमा ड्रामेबाज आंटी, तो पीते हैं फिर मिलते हैं। तू तो लेट आया जैसे कि कुछ खाता पता है। नहीं मतलब तेरे लिए भी रखे कुछ जो तू खाना चाहे था लास्ट टाइम पूछ रहे हैं, बहुत वधिया चीज़ है, शायद तेन वधिया लगे, मेरे को ही पई है बिल्कुल, थोड़ा खड़ा था वो तेन दिखाऊंगा। अरे यार सीरियसली आधे लफाफे रखे हुए हैं, खड़ा था वो ही खोलूंगा, अद्धा हल्का खड़ा होगा ना थोड़ा एक्टिव होकर दिखा ही नहीं, 1% नहीं एफर्ट मार के राजी है बंदा, 1% भी।
गैस कर पहले थोड़ा जा गैस तो कर गैस जड़ा मतलब थोड़ा ना अलग जी डिश है जी आप घरे कदे नहीं लिया अज तक जेड़ी तू शायद एक अद्धी बारी खाधी हो एक अद्धी बारी शायद खाधी हो देर भूख लगी है। लास्ट गैस एक लास्ट मैगी मैगी लो आप ही खिलाऊंगा इतना लास्ट गैस लास्ट पापड़ पापड़ जल्दी जल्दी खोल लो। नहीं नहीं आनी आनी दूजा खोलना है वो तेरे काम का नहीं है। दिस इज व्हाट वी हैव। टेबल यस टेपला। हमने पता क्या क्या खाया देख हमने भी ज़्यादा कुछ नहीं खाया। हमने एक मिलन बादाम पी है एक हमने मंचूरियन खाए हैं ठीक है और तेरे लिए थे तो खाओ मतलब है नहीं इज्जत था तेरे लिए एक एक था खा एक था खा बहुत मैं पसंद है। मर्चा भी है ना देख हरिया खाओ मैं नहीं गाइस इतनी इज्जत ना लेने मान नाल में ले आने मतलब मेरी मान ओता ना की तू खा रख लेना मंचूरियन रख लेना मेरे वास्ते मंचूरियन को रखा ए गाइस मैनू कह के 11 बजे दा 12 बजे करे बढ़िया पहला था ठीक है की दस्सा तू मैंने पूछा मैं बीमार हूँ मैं बीमार हूँ तू तो है बीमार साला दसो ते गाइस जेडे कहंदे तुसी ओवर एक्टिंग करदे हो तुहाडे मैं फन एंटरटेनमेंट लई करदा ठीक है जे तुहानू फिर भी लगदा है तां लगी जावे आई डोंट केयर करता एग्जैक्टली सर इदा है सवेरे मैंने थोड़ा जल्दी उठना है तो मैं तुम्हें कहना चाहता सी कि आप इन्हें दस दिए फिर हाँ कि दिस इज एंड ऑफ द वीडियो होप यू गाइस लव इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आधे में छोड़ देता 3-4 बार हो गया बुरा बोला कर तो फिर तेरे को पैसे किस बात के देता हूँ पैसा वैसा छोड़ तो आपको बताना चाहेंगे कि खत्म हो गई है वीडियो तो हम जाओ यार कल नवी वीडियो आ रही है तब तक ली।